नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है। बिहार शिक्षक नई भर्ती 2023। आप सबको पता होगा कि पहले चरण बाय चरण बहाली होती थी, छठा चरण सातवां चरण। छठा चरण का बहाली हो चुका था, सातवां चरण का बहाली का जब टाइम आया तो सरकार नियम ही चेंज कर दिया और एक नया नियम लगा दिया, सुपर टेट। अब सुपर टेट का अभी तक कोई पैटर्न सिलेबस बिहार सरकार की तरफ से नहीं आई है और उसमें भी बीपीएससी संस्था जो आयोग जो है वह एग्जाम लेगी। बीपीएससी मिलाइए कितना हार्ड होगा। तो आज मैं बताने वाला हूं कि बीपीएससी जो एग्जाम लेगी न्यू सुपर टेट का, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, न्यू सिलेबस में सिलेबस क्या होगा और कैसे आपको तैयारी करना है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कुल पोस्टों की संख्या 178,000 है, जिसमें से 6 से 8 कक्षा के 1745 सीटें हैं और 1 से 5 कक्षा के जो है आपका 85,477 सीटें हैं और आगे भी 9th-10th का सीटें हैं और 11th-12th का सीटें हैं। कुल सीटें मिलाकर आपका 178,000 सीटें रखे गए हैं। इसका कितना वेतन मिलेगा यह भी बिहार सरकार की तरफ से बता दिया गया है, मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, उसमें आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि देखिए, अभी तक बीपीएससी न्यू सुपर टेट जो एग्ज़ाम लेगी उसके लिए कोई डेट का अनाउंस नहीं किया है, कोई अधिसूचना नहीं आया है, कोई विज्ञापन नहीं आया है, कोई एग्जाम पैटर्न नहीं आया है, कोई सिलेबस नहीं आया है। लेकिन मेरे सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल कर आई है कि 10 मई तक बीपीएससी एग्जाम पैटर्न, अधिसूचना और विज्ञापन सब कुछ 10 मई तक लगभग निकाल देगी, दे देगी, वेबसाइट पर अपलोड कर देगी, जो आपके सामने आ जाएंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत सारे जो इसका वेट बेसब्री से किया जा रहा है, बीपीएससी अपने वेबसाइट पर डाल देगी और जो है सो 10 मई तक उम्मीद जताया जा रहा है। यह कोई कन्फर्म डेट मैं आपको नहीं बता रहा हूं। अब आप यह सोचिएगा कि देखिए, 1 से 5 क्लास की जो सीटें हैं उसमें 85,400 सीट है और 6 से 8 के लिए मात्र 1745 सीट है। इससे यह बात निष्कर्ष निकल रहा है कि 1 से 5 क्लास में सीटों की संख्या अधिक है और 6 से 8 में सीटों की संख्या कम है, इसलिए जो 6 से 8 के विद्यार्थी हैं वह 1 से 5 में जो है सो आवेदन करेंगे, इसलिए 1 से 5 में बहुत कठिन हो गया है आपका चयन, आपका मेगा अंक पूर्ण। इसलिए सीटेट की तैयारी, सुपर टेट की तैयारी आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए। अब आप बोलिएगा कि पैटर्न नहीं आया है, एग्जाम सिलेबस नहीं आया है, तो किस तरह से एग्जाम का तैयारी करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए, एग्जाम पैटर्न तो आ जाएगा, कल आएगा, आएगा ही आएगा, क्योंकि बिना एग्जाम पैटर्न सिलेबस का कोई काम एग्जाम बीपीएससी नहीं लेगी। लेकिन हो सकता है कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आज दे दे और 1 महीने के बाद आपसे एग्जाम ले ले, क्या कीजिएगा, पछताते रह जाइएगा, कितना भी पढ़िएगा आपका तैयारी फुल नहीं होगा। इसलिए आज से, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तैयारी कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यह तो सब कोई जानता है कि सीटेट में चाहे सुपर टेट में चाहे कोई भी शिक्षक के जो है सो एग्ज़ाम ले ले, उसमें CDP पूछेगा ही पूछेगा, हिंदी पूछेगा ही पूछेगा, इंग्लिश लैंग्वेज संस्कृत जो भी है वो पूछेगा ही पूछेगा, 2 लैंग्वेज पेपर पूछेगा ही पूछेगा, CDP पूछेगा ही पूछेगा, इंग्लिश जो है सो मैथ पूछेगा ही पूछेगा और EVS पूछेगा ही पूछेगा और जो है सो आपका थोड़ा सा GK GS पूछेगा। तो GK GS का तैयारी अभी मैं नहीं बोलूँगा। अभी आपको किस चीज़ की तैयारी करना होगा तो CDP की तैयारी कीजिए, डिटेल में तैयारी कीजिए। सीटेट वाला CDP की तरह तैयारी मत कीजिएगा, क्योंकि यह प्रथम बार एग्जाम है, इसमें कोई प्रश्न कहाँ से पूछ देगा किसी को नहीं पता है। तो थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, थ्योरी पढ़िएगा, CDP का थ्योरी पढ़िएगा, EVS का थ्योरी पढ़िएगा और हिंदी पढ़िएगा, हिंदी व्याकरण, हिंदी पेडोलॉजी, उसके बाद आप पढ़िएगा मैथ और जो है सो लैंग्वेज पेपर पढ़िएगा। हिंदी लेना है तो हिंदी, इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश, उर्दू लेना है तो उर्दू, जो भी आपको संस्कृत लेना है तो संस्कृत पढ़िएगा। मात्र 5 सब्जेक्ट आपको आप पढ़िए अभी से। और यह चीज़ कहाँ से पढ़ना है तो 1 से 5 क्लास के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी बुक है, 3 क्लास का बुक, 4 क्लास का बुक और 5 क्लास का बुक, उसको आप जो NCERT के जो भी बुकें हैं उसको आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, अच्छा से मार्किंग करके पढ़िए। और 6 से 8 के लिए 6, 7, 8 का बुक पढ़िए, यानी अगर आप 1 से 5 और 6 से 8 के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आपको 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास का NCERT का बुक जो है सरकारी स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसी को लाइन बाय लाइन धीरे धीरे पढ़ते चले जाइए। उम्मीद करता हूँ कि आपका इस तरह से तैयारी हो जाएगा,
कि आपका एक बार में सुपर टेट निकल जाएगा और अच्छे नंबर से सुपर टेट निकल जाएगा। आप ऐसे इंतजार करते रह जाइएगा कि अब सिलेबस आएगा तो अब पढ़ेंगे। इसी तरह दिन बीतता चला जाएगा, आप कुछ नहीं हो पाएगा। और तुरंत एक महीना रहेगा तो देगा, तो आपका जो है सो आप कहिए अब तैयारी नहीं हुआ, क्या करें क्या नहीं करें। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, कॉमन सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। कॉमन सब्जेक्ट में क्या क्या है मैं बता दिया हूँ। CDP है, लैंग्वेज पेपर है, आपका मैथ है, EBS है, और जो है सो जो है EBS SCST जो है GK GS है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइएगा, बिहार GK थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यह सब कॉमन सब्जेक्ट है, इसको आपको पढ़ना है, समझना है, अभी से नोट्स बनाना है, NCERT की बुक से पढ़ना है, किसी गैस पेपर हिट पेपर कुछ भी कुंजिका से कुछ भी नहीं पढ़ना है। NCERT की जो बुक होती है जो सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है उसी से पढ़िए। जैसे 10 मई के बाद अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर एक डेट मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अधिकतर उम्मीद जताया जा रहा है कि 10 मई तक आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस BPSC दे देगी, वेबसाइट पर अपलोड कर देगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।